तो चलिए सबसे पहले बेसिक जो है मॉनेटरी पॉलिसी का वो हम देख लेते हैं, ये है क्या। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक, अपने केस में आरबीआई, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है टू यूज मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट अंडर इट्स कंट्रोल। जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर में जो इंस्ट्रूमेंट दिए गए उनको यूज करके आपको क्या करना है, टू अचीव गोल स्पेसिफाइड इन द पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ गोल्स बनाए जाते हैं और उन टूल्स को, इंस्ट्रूमेंट को यूज करके आप उनको अचीव करते हो। थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई मैनेजेज क्वांटिटी ऑफ मनी इनटू द मार्केट। आरबीआई ये डिसाइड करता है कि मार्केट के अंदर कितना पैसा रहने वाला है। कैसे डिसाइड करता है, मतलब कैसे ये फंक्शन कर पाता है, मैनेज कैसे कर पाता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। और ये करता क्यों है मैनेज, टू मीट डिमांड ऑफ डिफरेंट सेक्टर। हर सेक्टर की अलग डिमांड है, कहीं पे डिमांड ज़्यादा हो रखी है तो वहाँ कम करनी पड़ेगी, कहीं पे सप्लाई डिस्टर्ब हो रखी है तो वो डिमांड को डिस्टर्ब कर देगी। इस तरह से आरबीआई मॉनिटरी कंट्रोल करके उस मार्केट को स्टेबलाइज करना चाह रहा है और साथ में ही इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़े, मतलब उन सेक्टर में भी पैसा पहुंचे जहां पे पैसा पहुंचना चाहिए। तो ये सारे काम मॉनेटरी पॉलिसी के तहत किए जाते हैं। आरबीआई को इसकी मैंडेट कहां से मिलती है, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई को ये पावर्स मिलती हैं। इसी के साथ आरबीआई एक रिपोर्ट भी पब्लिश करता है, ये कई बार पूछा गया है, इसका नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और ये बाई एनुअली पब्लिश की जाती है और इसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ कंट्री, इस नाम से ये रिपोर्ट पब्लिश करता है। अब देख लेते हैं जी गोल्स क्या क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के। गोल हैं दोस्त, प्राइमरी गोल तो यही है कि प्राइस स्टेबल रहे, पैसा कंटिन्यूसली गिरता ना जाए अगेंस्ट द फॉरेन, जो भी आप डॉलर को लेके चल रहे हो या फिर चाइनीज करेंसी को लेके चल रहे हो, तो प्राइस स्टेबल रहे पहली बात तो। और दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी चलती रहे, साथ में ही अब इसके अंदर इन्फ्लेशन भी ऐड कर दिया गया है। ये सारे प्राइमरी गोल्स ही हैं इसके। आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड किया गया कब, फाइनेंस एक्ट 2016 के अंडर में। और तब क्या फ़ायदा हुआ उसको अमेंडमेंट का, तो इस अमेंडमेंट से ये स्टैट्यूटरी बेसिस दे दिया गया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। देखिए पहले भी ये काम किया जाता था बट अब एक लॉ के तहत ये काम करना पड़ेगा, एक स्टैट्यूट की तरह ये काम करना के तहत ये काम करना पड़ेगा आरबीआई के ऊपर। अब ये मैंडेटरी बन गया है। अब आरबीआई को टारगेट दिया जाएगा, इन्फ्लेशन टारगेट टू आरबीआई कौन देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही डिसाइड करती है बट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। आरबीआई के साथ मिलकर वो डिसाइड करेंगे कि अब आपका 5 साल के लिए इन्फ्लेशन टारगेट ये है, इसको भी कंट्रोल करना है, प्राइस भी स्टेबल रखना है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी रखनी है। तो ये तीनों चीज़ों को देखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी का काम ये है, गोल बन जाता है। एज ऑफ नाउ कितना है, 4% का टारगेट रखा गया है और टॉलरेंस रखी गई है इन्फ्लेशन की ±2%। अब 4 की अपर टॉलरेंस बन जाएगी, 4+2 6% और 4-2 कितना बन जाएगा, 2%। ये मतलब एक किस्म से इन्फ्लेशन की रेंज दी गई आरबीआई को कि भैया इसमें आपको मेंटेन करना है, मॉनेटरी पॉलिसी में जो मर्जी कर अब तो।